हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एनी और मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगी एक ब्रांड न्यू एपिसोड। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी होम रेमेडीज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायपर रैश, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डायपर रैश होता क्यों है और इसे हम कैसे ट्रीट करें इमीडिएटली, ताकि ये हमारे बच्चों को परेशान ना करे। सुनने में तो डायपर रैश ऐसे लगता है जैसे एक रैश ही तो है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकता है, जो पहले तो आप कोशिश करें कि बच्चों को हो ही ना। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके बच्चों को जो रैशेज हैं बिल्कुल ही बच्चों को नहीं होंगे। दूसरा, अगर बच्चे को नैपी रैश आ गया है तो आप उसे फौरन ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर आप उसे बढ़ा देंगे और फिर ट्रीट करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपका बच्चा भी बहुत परेशान होगा। दोस्तों, हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि इस तरह की रेगुलर अपडेट आपको फौरन मिलती रहे। गाइस, सबसे पहली चीज के डायपर रैश होता क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले जो टॉप मोस्ट इसका रीजन है वो ये है कि छोटे बच्चे इतना ज्यादा यूरिन पास करते हैं, इतना ज्यादा पोटी करते हैं, तो होता क्यों है? अगर आपने बच्चे को डायपर पहनाया है और ये यूरिन स्किन के कॉन्टेंट में रह जाए तो स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, इसमें रैशे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों को दाने होने शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों की स्किन पिंक होना शुरू हो जाती है और साथ साथ जलन भी होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये गर्मी से भी हो जाती है, जिसकी वजह वो रैश बन जाता है, और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो बढ़ता ही चला जाता है और बहुत से स्किन प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। गाइस, इसका जो दूसरा रीजन है वो ये हो सकता है कि जो डायपर आप यूज कर रहे हैं इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और डायपर में जो केमिकल है इसकी वजह से भी रैश होने का बहुत ज्यादा खतरा है। इसकी तीसरी रीजन ये है कि हमें कभी कभी लगता है अभी तो एक बार ही बच्चे ने पिशी की है, ज्यादा बार यूरिन पास नहीं किया, तो डायपर जैसे कि आप लोग जानते हैं महंगे आते हैं, तो इस चक्कर में काफी लोग ये सोचते हैं कि अभी नहीं डायपर को 3 या 4 घंटे के बाद चेंज करेंगे, तो वो भी गलती है, क्योंकि डायपर को टच करके इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनी बार गीला हुआ है। तो ये टॉप मोस्ट रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को रैशेज होते हैं। लूज मोशन अगर आपके बच्चे को हो गया है तो इस कंडीशन में भी रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली ये 3 से 4 रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को रैशेज होते हैं, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि डायपर रैशेज को ठीक कैसे करें। सबसे पहली चीज ये है जिसका आपको ख्याल करना होगा, आपको एक अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज करें। मैं तो इनफैक्ट आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शुरू के पहले 2 मंथ आप कोशिश करें कि बच्चे को दिन के टाइम आप बच्चों को डायपर यूज मत करवाएं। स्पेशली अगर गर्मियों का सीजन है तो आपको चाहिए दिन में बच्चों को डायपर बिल्कुल भी मत पहनाएं, लेकिन अगर विंटर है तो फिर आप दिन में भी डायपर लगा सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो डायपर का एरिया है इसे आप क्लीन किस तरह करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग वेट वाइप्स लेते हैं और इसी से क्लीनिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कोशिश करें कि वाइप्स बाहर के लिए यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर जाती हैं या आप कहीं बाहर जाती हैं तब आप वाइप्स का यूज कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ आप कोशिश करें कि अगर आप घर में हैं तो वाइप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, नेचुरल तरीका यूज करें, सिंपल पानी लेकर इसे वॉश करें, या फिर आप ऐसा करें कि सिंपल पानी लेकर कॉटन की हेल्प से बच्चे के डायपर एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करें और 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे को खुला छोड़ दें, क्योंकि स्किन जब हवा के कॉन्टेक्ट से आती है तो जो स्किन का मॉइस्चर होता है वो इसको वापस मिल जाता है और रैश होने की जो अपॉर्चुनिटी है वो तकरीबन खत्म हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज्यादातर लोग वाइप्स पर डिपेंड करते हैं, और शायद आप लोग ये नहीं जानते कि वाइप्स में ऐसे केमिकल होते हैं जो अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों को यूज करवा रही हैं तो रैशेज बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद रैशेज आते ही रहते हैं। इसलिए आप बच्चे को सिंपल पानी लेकर कॉटन की हेल्प से क्लीन करें। जब आप सिंपल पानी की हेल्प से बच्चे को क्लीन करेंगी तो फिर आप देखेंगी आपके बच्चों के जो रैशेज का प्रॉब्लम है वो काफी कम हो जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे को रैशेज हो गया है तो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए जिसकी वजह से आपके बच्चों के रैशेज हैं वो जल्दी से खत्म हो जाए और आपका बच्चा काफी ज्यादा रिलैक्स फील करे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो मैजिकल रेमेडी जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चों के रैशेज का मसला एक ही दिन में हल हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हैरानकुन नतीजे मिलेंगे। दोस्तों, आपको यूज करना है मदर केयर का रैश पाउडर। दोस्तों, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उन सबको रैश पाउडर रेकमेंड करती हूँ, और अगर इनका जो फीडबैक आता है वो ये होता है उनके बच्चों का रैशेज का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो गाइस, आप इस पाउडर को इस्तेमाल करें, आपके बच्चों को रैशेज हैं तब आप यूज करें, लेकिन अगर आपके बच्चों को रैशेज नहीं है तब भी आप इसको रेगुलर बेसिस पे बच्चों को यूज करवा सकती हैं। सबसे पहले आप पाउडर लगाएं, उसके बाद आप डायपर पहनाएं। आप 3 टाइम अगर डायपर यूज कर रहे
रही हैं, तब आपको तीनों टाइम पाउडर लगाना होगा। आप देखेंगे चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपके बच्चों की जो स्किन है वो काफी स्मूथ हो जाएगी और आपके बच्चों को रैशेस कभी भी नहीं आएंगे। और आपने इस पाउडर को डेली रूटीन में शामिल करना होगा और जब आप इस पाउडर को यूज करती रहेंगी लाइफ टाइम आपके बच्चों को रैशेस का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। गाइज, ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा बेस्ट है कि जब आप इसको यूज करेंगी तो आप दूसरे लोगों को भी बताने पर मजबूर हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपसे एक और रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है रैशेस के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 5 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल और उसमें आपको 3 टीस्पून ऐड करना होगा सिंपल वाटर यानी के पानी। आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको बच्चों के डायपर वाली जगह पर अच्छी तरह से लगाना है और बच्चे को खुला छोड़ देना है। इसके इस्तेमाल से भी आपको काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा और ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, रैशेस के प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने जो रेमेडीज आपके साथ शेयर की हैं, इससे ज्यादा अच्छी रेमेडीज तो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इन रेमेडीज को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपने कौन सी रेमेडी अप्लाई की है और आपको कितना ज्यादा रिजल्ट मिला है। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो। गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मैं मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।